कैमरा ले लिया है कैनन EOS M200, यहाँ पे चालू है और अब मैं दिखाता हूँ डिफरेंस आपको कि आज तक मेरे व्लॉग ऐसे दिखते थे और अब ऐसे दिखेंगे। त्यांना अजूनही माहित नाहीये पण इंस्टाग्रामवर की नवीन कॅमेरा घेतलेला आहे, ते मला ते पोस्ट करायचं आहे तिथे। GoPro स्टॉप रेकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये सेम डे पे शूट नहीं हो रहा है। टुडे इज 3rd October। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, उनका मुझे फोन आया था क्रोमा वालों का और दे सेड दैट द कैमराज विल बी अवेलेबल बाय दिस वीकेंड। तो आज है सैटरडे, देखो अपना बापाचा रास्ता हैशटैग भाड़ीपा। एक्झॅक्टली यार, तेच चालू आहे ना, काय फालतूपण आहे। ओके, तो मैं आया था नेहा के पास। बिकर अप, क्योंकि उसने मेरे लिए गिफ्ट लिया है फॉर कंप्लीटिंग 25K सब्स। नेहा का ये गिफ्ट। ओके नेहा, शो अस क्या गिफ्ट है। और लकीली ये आज ही आया, ऑलरेडी अनबॉक्स्ड। देयर इज नो थ्रिल ऑफ शंतनु अनबॉक्सिंग इट। ओह माय गॉड, लुक एट दैट लिटिल ब्यूटी। द रीजन इज क्योंकि गिफ्ट है, सो आई नीड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। वाओ, पैन फोटो का ट्राइपॉड है फालतू ट्राइपॉड नहीं यूज करने का, अच्छा ट्राइपॉड यूज करने का जब नया कैमरा लेगा तब। क्योंकि जो मेरा पिछला वाला था ना ट्राइपॉड, मोस्ट ऑफ यू गाइस नो, उसका जो स्क्रू होता है ना क्वार्टर इंच का, वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सो दैट कैन होल्ड योर फोन, दैट कैन होल्ड GoPro, बट बड़ा कैमरा दैट आई डोंट थिंक मिररलेस या DSLR होल्ड करने की ताकत है उसमें। दिस कैन होल्ड अप टू 1 kg। सो थैंक यू सो मच नेहा, इट लुक्स ब्यूटिफुल। ओके, बाय द वे अभी हम लोग जा रहे हैं क्रोमा। कवडा जड़े माझा जो ओल्ड होता ना प्लास्टिक वाटत होता मला, तो प्लास्टिकच होता, तो पूर्ण प्लास्टिक होता। हा पूर्ण मेटल आहे, बाप रे, हेवी आहे त्या पॅकेजिंग, त्याच्यावरच समजलं ना। 3 kg काहीतरी मेंशन होता या पॅकेजिंग। 3 kg नाही आहे रे, अरे नाही नाही काय आहे, 3 दिस आता तू झालं तुला 300 ग्रॅम वगैरे असं काहीतरी तसंच लिहिलेलं होतं पॅकेजवर टोटल वेट ऑफ द 3 kg। शट अप, 3 kg। ऑलराइट गाइस, आई थिंक अब मैं आपको सीधा क्रोमा जाके ही मिलूंगा। क्रोमा जो लास्ट टाइम मैं गया था वहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, बट उनका फोन आया था कि सीजन्स वाले क्रोमा में अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कितनी 20 रुपए जाऊ का। थैंक यू। देखो गाइस, आज भी मेरे पास कैश नहीं है। मेरे पास 99% टाइम्स कैश नहीं होता है। अरे वाह, फॉर द फर्स्ट टाइम सीजन्स में अंदर आते ही पार्किंग मिल गए। डैम, एक्चुअली यहाँ पे भीड़ नहीं है, ये जो मैं यूजुअली देखता हूँ उसका 1% होगा। बट जस्ट टू लेट यू नो, मुझे -2 में जाना पड़ता है और आज -1 के पहले ऊपर ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल गया। वाओ गाइस, फाइनली इन सीजन मॉल।
आप लोग देख सकते हो वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू। और हाँ क्रोमा अभी अंदर जाएंगे बात करेंगे एंड देन वील अपडेट यू गाइस। सिर्फ एक इशू हो गया है अभी, एज यू कैन सी क्रोमा स्टोर में हूँ मैं। ये स्टोर मैनेजर अब्दुल सर, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि कल तक अमेजोन पे प्राइस था इसका 36-37,000, फ्लक्चुएट हो रहा था, आज वो प्राइस चढ़ गया 42,100। और क्रोमा का पॉलिसी है कि तो वो लोग उसका प्राइस मैच करके देते हैं, बट यहाँ पे हो गया है प्रॉब्लम। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार और ये टाल रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट, इज़ नॉट रेडी टू लिसन। ओह अब्दुल सर रिक्वेस्ट ही सर प्लीज ऑन कैमरा प्लीज ना बोलते ना ही सेज नो बट लेट्स सी जो होता है आई विल कीप यू पोस्टेड। एजाज भाई इज़ हेल्पिंग मी, इज़ बिलिंग मी, इज़ नॉट हेल्पिंग मी, इज़ लूटिंग मी राइट नाउ। शारदा मैडम ने भी मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दिया है, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। शारदा मैडम बोलती है गुड न्यूज़ ये है कि आप मिररलेस कैमरा ले रहे हो, एक्चुअली दैट इज़ अ गुड न्यूज़। नहीं जस्ट जोकिंग शारदा मैडम, बट इट इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़। बट थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो बुरा क्या होता था इंडियंस काय काय अमेजॉन 40,000 डिस्काउंट प्राइस है मैडम बोल रही है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग गाइज बेचा है ऑब्सो। उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने लोग देख के जाते हैं, हाथ लगा के जाते हैं, सो दे आर सैनिटाइजिंग एवरीथिंग और फिर मुझे दे रहे हैं। ये बैग भी सैनिटाइज, ये भी सैनिटाइज हो जाएगा कैमरा बैग। ये हुआ है कि कैमरा में बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो यूज़, तो उसे चार्जिंग पे लगा दिया है क्रोमा में ही। और हम लोग थोड़ा सा घूम रहे ट्राइंग टू सी कॉफ़ी कहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। चाहिए थे इसीलिए क्रॉस वर्ड में आए हैं, नथिंग मच। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। कैमरा ले लिया है, ये रहा कैनन EOS M200। यहाँ पे चालू है और अब मैं दिखाता हूँ डिफरेंस आपको कि आज तक मेरे व्लॉग ऐसे दिखते थे और अब ऐसे दिखेंगे। आई मीन ऑटो फोकस वगैरह यार, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग सब कुछ। हाँ थोड़ा सा वाइड एंगल में आपको फ़र्क महसूस होने वाला है, बट इट्स नॉट दैट बैड, ट्रस्ट मी। और अगर आपको सही में क्वालिटी पसंद आ गया तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और अब कोई अगर ट्रेन में बीच में अगर आया और मेरी इच्छा नहीं है कि वो आए तो आई कैन डू दिस एज वेल, बट यस दिस इज़ नाइस, दिस इज़ इम्प्रेसिव, आई एम रियली लविंग इट। ये व्हील क्या इसका फंक्शनैलिटी अभी पूरा मुझे समझना पड़ेगा, बट आई एम गोना अपडेट यू जैसे जैसे मैं सीखता हूँ। और देखते हैं कहीं घूमने जा सकते हैं तो जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। अब आप इस कैमरे के थोड़े से ग्लिम्स देख लीजिए, तो पहले मैं ऐसे व्लॉग करता था समथिंग लाइक दिस, अब मैं ऐसे व्लॉग करने वाला हूँ, ठीक है GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब मैं ऐसे व्लॉग करने वाला हूँ, ठीक है GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। यार ये अच्छी बात है इसकी सबसे। ठीक है गाइस, स्टेबलाइजेशन टेस्ट, नया टेस्ट। यार मेरे को वाइड एंगल का इतना बुरा आदत लग गया है ना कि आई एम नॉट फाइंडिंग दिस गुड। काम हो चुका है सीजन में एंड आई एम रियली सॉरी। देखो मेरे को खुद का कैमरा खुद को अनबॉक्स करने का भी चांस नहीं मिला, उन्होंने ये सब करके दिया बिकॉज ये लोग टेस्ट कर रहे थे पहले, अच्छा है ना प्रोडक्ट और फिर ही दे रहे थे तो उन्होंने ये कर दिया। बट क्वालिटी तो आपने देख ही लिया, अभी फ़िलहाल तो हाथ में है, गाड़ी में इसे नहीं लगा सकते, GoPro जैसा वर्सेटाइल इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। अभी मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में पता नहीं है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम सेटिंग्स, क्योंकि ऑटो मोड में भले ही दिन में अच्छा आ सकता है, खुद का खुद वो अच्छा ले सकता है, बट न
नाइट में आइजो वगैरह बहुत कुछ एडजस्ट करना है, सीखना है मुझे अभी। शायद हम लोग कल कहीं बाहर जाएंगे मोस्टली, तो पूरा व्लॉग उसी पे रिकॉर्ड होगा। जूम इन जूम आउट। शेयर मला वाटलं होतं इथे हा बसेल म्हणून पुरेल इथे, बट इट्स नॉट पुरिंग। साउंड क्वालिटी आई वॉन्ट टू चेक, आई वॉन्ट टू चेक मेमरी क्लिप्स का मेमरी हाउ इट टेक्स। एंड ये तो क्या कमी है, वाइड एंगल इज वाइड एंगल गुड आई गेस टू सम एक्सटेंट। अरे हां इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। फोकस ऑटो फोकस, इसका ऑटो फोकस बहुत अच्छा है गाइस, ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस कैनन का, इसीलिए मैंने ये लिया। आई थिंक फिलहाल के लिए मैं इसे एंड करता हूँ यहीं पे। आई थिंक फिलहाल मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ। जिन्होंने देखा थैंक यू सो मच गाइज, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। 25,000 हो गए हम लोग, इसीलिए ये अपग्रेड। अगला अपग्रेड आपके हाथ में, पता नहीं जब भी आप एक और माइलस्टोन मतलब अचीव करवाओगे मुझे तब शायद अगला अपग्रेड होगा। दैट इज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड यू गाइज टेक केयर। अभी मैं गाड़ी से उतरने के बाद इसका थोड़ा और एंड में डालता हूँ फुटेज। टिल देन बाय बाय, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।